हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नोह हब अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो आज हम देखेंगे एनसीआर सॉल्यूशंस ऑफ क्लास ट्वेल्थ चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 एट पॉइंट वन के क्वेश्चन लेकर पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे वन शॉट में खत्म आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं

x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रा करेंगे ये हमारी y एक्सिस हो गई ये x एक्सिस हो गई ठीक है ये x एक्सिस ये y एक्सिस अब समझिए हमारे पास गिवन है क y2 x मतलब क्या हुआ हमारी जो सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होगी तो पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा क पैराबोला इस तरह से आएगा y2 एक्स और क्या गिवन है हमें हमें गिवन है X is equal to 1. तो ये यहाँ 1 ये 2, ये पे मान लीजिए थ्री और ये फोर वन टू थ्री एंड फोर तो एक्स इज इक्वल टू वन है एक लाइन यहां पे हो गई एंड एक्स इज इक्वल टू फोर वाली लाइन यहां पे हो गई ठीक है यहां पे एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स इज इक्वल टू वन हो गया क्या बोला है और एक्स एक्सिस भी बोला गया है एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वारंट तो फर्स्ट क्वारंट में इतना जो एरिया हमें मिलेगा ये वाला शेडेड रीजियन इस रीजियन का हमें एरिया फाइंड करना है मतलब हमें ये जो कर्व है ये कर्व इसके अंडर में पॉइंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंडर में जो भी एरिया आ रहा है ये हमारा कव है और इस कव के अंडर में जो एरिया आ रहा है वो फाइन करना है कैसे फाइन करेंगे एरिया ऑफ रीजियन इज इक्वल टू इंटीग्रल कहां से कहां तक है कव हमारा यहां वन से लेके लिमिट हमारी कहां है वन से लेके फोर तक तो इंटीग्रल वन टू फोर वाई dx अब y dx एक्स क्यों लिया हमने क्योंकि लिमिट जो है हम x एक्सिस पे ले रहे हैं वन से लेके फोर तो इंटीग्रेशन भी हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे अब y क्या है यहां पे हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट एक्स ये हमारा फंक्शन बन गया तो y इज इक्वल टू क्या है रूट एक्स है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल वन टू फोर वाई की वैल्यू क्या है Root x मतलब x की पावर वन बाई टू डी पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू और लिमिट्स हैं लोअर लिमिट वन अपर लिमिट फोर बस ये तो इंटीग्रेशन हो गया अब अपर एंड लोअर लिमिट लगा देनी है क्या होगा फोर की पावर थ्री बाय टू और ये थ्री बाय टू है वो बाहर निकल के आ जाएगा टू बाय थ्री अपर लिमिट लग गई माइनस में लोअर लिमिट लगेगी वन की पावर थ्री बाय टू वन की कितनी भी पावर करे वो वन ही रहेगा तो हमें मिल जाएगा टू बाय थ्री इन टू फोर की पावर थ्री बाय टू का मतलब क्या है फोर का क्यूब सिक्सटी फोर और वन बाय टू मतलब सिक्सटी फोर का रूट मतलब क्या हो गया हमें मिल गया एट माइनस का वन एट माइनस वन हो गया सेवन सेवन टू फोर्टीन बाई थ्री हमारा आंसर आ गया फोर्टीन बाई थ्री यूनिट आंसर आ गया तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इज 14 बाई थ्री यूनिट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स ये एक पैरा बोला है ठीक है x इज इक्वल टू टू एन एक्स इज इक्वल टू फोर लाइन है एंड एक्स एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वार मतलब फर्स्ट क्वार के अंदर इन तीनों को मिला कि जो रीजियन बनेगा उसका हमें एरिया फाइन करना है तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस ठीक है क्या ड्रॉ करना है सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स ड्रॉ करना है मतलब पैरा बोला ई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि यहां पे नाइन एक्स है तो सिमेट्री कहां पे होगी एक्स एक्सिस पे सिमेट्री होगी ठीक है आपको याद कैसे रखना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन स्क्वायर है ठीक है जो जिसकी पावर कम है जिसकी पावर कम है वहां पे सिमेट्री होगी ठीक है यहां पे क्या है एक्स इज इक्वल टू टू तो टू यहां पे होगा और फोर यहां पे होगा ठीक है तो एक तो लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू टू यहां पर एंड X इज इक्वल टू फोर लाइन यहां पे हो गई X इज इक्वल टू फोर अब क्या बोला है X की की भी बात की है और फर्स्ट की की है. तो हमारा जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा इस एरिया को हमें फाइंड करना है लेकिन ये एरिया जो है उसे हम कैसे बता सकते हैं ये कर्व जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अंडर जो एरिया आ रहा है पैरा बोला के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंडर जो भी एरिया आ रहा है वो ये रीजियन है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजियन इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल कहां से कहां तक है लिमिट हम टू टू फोर लेंगे लिमिट टू टू फोर वाई डी एक्स अब dx इसलिए है क्योंकि हमने लिमिट x एक्स एक्सिस एक्स पे ली है अगर हम लिमिट्स y एक्सिस एक्स पे लेते तो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ता विथ, विथ रिस्पेक्ट टू dy मतलब y के साथ करना पड़ता लेकिन जब भी लिमिट्स हम x एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो क्या आएगा dx ही आएगा अब समझिए इंटीग्रल टू टू फोर y क्या है यहां पे हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी थ्री रूट एक्स थ्री रूट एक्स वैल्यू हो गई तो यहां पे हम रख लेंगे थ्री रूट एक्स डी एक्स हो गया अब थ्री तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा टू टू फोर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स यहां तक क्लियर है थ्री अब एक्स टू दी पावर वन बाई टू का इंटीग्रल क्या होता है वो होता है एक्स की पावर थ्री बाई टू अपन में थ्री बाई टू और लिमिट्स हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फोर बस अब लिमिट्स को पुट कर देना है तो चलिए पुट करते हैं थ्री एन टू यहां पर थ्री बाई टू है के आ जाएगा, तो हो जाएगा टू बाय थ्री क्या होगा टू थ्री. और ये थ्री थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा अंदर क्या बचेगा फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस में टू की पावर थ्री बाई टू टू की पावर थ्री बाय टू क्लियर है यहां तक चलिए अब टू तो टू ही रहेगा फोर की पावर थ्री बाई टू का मतलब फोर का क्यूब मतलब सिक्सटी फोर और उसका रूट जो हो जाएगा एट माइनस में टू का क्यूब क्या होता है एट एट की पावर वन बाय टू मतलब उसका रूट मतलब टू रूट टू आंसर आएगा एट का रूट क्या होता है टू रूट टू तो क्या होगा टू एट जा सिक्सटीन टू टू जा फोर रूट टू यह हमारा आंसर आ गया ठीक है सिक्सटीन माइनस फोर रूट टू गिवन जो इंटीग्रल है उसका आंसर पर गिवन इंटीग्रल क्या था एक्चुअल में तो एरिया ऑफ रीजन था तो एरिया ऑफ दिस रीजन इज़ 16 माइनस 4 रूट टू यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द एरिया ऑफ़ द रीजन एक्सक्वायर इज इक्वल टू फोर वाई क्या है पैरा है जहां पे फोर वाई गिवन है मतलब जो वाई है जिसकी पावर कम है तो क्या है सिमेट्री जो होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगी आपको याद ऐसे रखना है ठीक है फॉर्म एक्सक्वायर इज इक्वल टू फोर वाई है या फिर एक्सक्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई वाला फॉर्म है तो सिमेट्री होगी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और लाइन गिवन है वाई इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू फोर वाई एक्स एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है यहाँ पे एरिया फाइंड करना है बाउंडेड रीजन का तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां यह तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला जो सिमिट्री है वाई एक्सिस के साथ तो यहां पर सिमिट्री हो गई वाई एक्सिस के साथ ये हमारा ओरिजिन ओ हो गया ठीक है वाई इज इक्वल टू टू तो वन टू थ्री फोर ऐसे आएगा तो टू की वैल्यू यहां होगी वाई इज इक्वल टू टू कहा होगा टू टू यहां पर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू फोर यहाँ पे वाई एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो जो एरिया है वो ये हो जाएगा इतना एरिया हमें फाइंड करना है ठीक है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो ये दो लाइंस और इस पैराबोला के बीच में ये पूरा ही एरिया आ जाता मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट वाला लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट स्पेसिफाई किया है तो इतना एरिया हमें फाइंड करना है अब इस रीजियन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे क्या मैं लिमिट एक्सिस पे लूंगा नहीं एरिया अंडर दी कर्व ये वाला कर्व है अभी और प्रोजेक्शन में नीचे नहीं लूंगा मैं लूंगा वाई एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए कुछ लिमिट्स है ही नहीं तो क्या होगा इस रीजियन का एरिया एरिया ऑफ रीजियन इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स लेंगे y के लिए तो इंटीग्रल टू टू फोर इंटीग्रल टू टू फोर इस पॉइंट से के इस पॉइंट तक का जो एरिया है वो क्या होगा x डी वाई क्या होगा x डी वाई क्योंकि हमने लिमिट्स कहां ली है y पे ली है तो विथ रिस्पेक्ट टू y उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और x क्या आएगा यहां पे टू टू फोर एक्स की जगह पे देखिए हमारे पास यहां पे कर्व टू 4Y है, which implies X की वैल्यू क्या हो जाएगी टू रूट वाई टू रूट वाई हो गई तो यहां पर टू कॉन्स्टेंट है, है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल होगा टू टू फोर रूट वाई को लिख सकते हैं वाई की पावर वन बाई टू डी वाई हो गया बस इंटीग्रेशन इसका तो बहुत ही ईजी है जो होगा वाई की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू और लिमिट हो गई टू एंड फोर बस अब अपर एंड लोअर लिमिट रख लेनी है तो क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा यहां पे टू और थ्री बाई टू जो है वो बाहर आ जाएगा जिससे हो जाएगा टू बाय थ्री थ्री बाय टू का क्या हो जाएगा टू बाय थ्री और यहां पे y की पावर की जगह पे फोर की पावर होगी क्या होगी फोर की पावर क्या है थ्री बाय टू माइनस में लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट है टू तो टू की पावर थ्री बाय टू ये हो गया बस अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली तो यहां पे टू टू जा फोर बाय थ्री यहां पे क्या होगा फोर का क्यूब ए सिक्सटी फोर बाय टू सिक्सटी फोर बाय टू नहीं सिक्सटी फोर की पावर वन बाय टू मतलब क्या हो जाएगा एट ठीक है माइनस में टू का क्यूब एट एट का रूट रूट क्या होता है टू रूट टू टू रूट टू हो गया क्या करेंगे यहाँ पे एट फोर जा थर्टी टू माइनस फोर टू जट रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री ये हमारा क्या आ गया एरिया आ गया बाउंडेड रीजियन का थर्टी टू माइनस एट रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री यूनिट्स आपको बस याद ये रखना है कि कब आपको कौन से लिमिट लेनी है क्या मुझे वाई लिमिट्स लेनी है क्या मुझे एक्स लिमिट्स लेनी है यहाँ पे एक्स लिमिट मैं नहीं ले पाता क्योंकि एरिया मुझे ये वाला मिलता अगर मैं एक्स लिमिट ले रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स यहाँ पर मिलती ठीक है क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो सर्कल जैसा ही होता है अब स्टैंडर्ड में हाइपरबोला पैराबोला पैरा इलिप्स ये सब पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले जो इलिप्स का इक्वेशन है वो लिखेंगे एक्सक्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इज़ इक्वल टू वन अब इलिप्स का इक्वेशन याद कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये होता है एलिप्स का इक्वेशन जहां पे ये ए स्क्वायर मतलब ए जो है वहां पे मेजर एक्सिस होंगी ए मेजर एक्सिस होती है बी माइनर एक्सिस होती है अब ए स्क्वायर अगर एक्स के नीचे आ रहा है मतलब एक्सक्वायर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है तो मेजर एक्सिस कहाँ पे होंगी एक्स एक्सिस पे होंगी तो यहाँ पे एलिप्स हम ड्रॉ करेंगे जिसकी मेजर एक्सिस कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है मतलब इलिप्स कुछ इस तरह से मिलेगा हमें कुछ इस तरह का इलिप्स मिलेगा जहां पे ये सेंटर या फिर ओरिजिन ओ हो गया और ये पूरी की पूरी मेजर एक्सिस 2a होती है इसकी वैल्यू a होती है ये वैल्यू क्या होती है a होती है ठीक है यहां पे लिख सकते हैं a, 0 अब ये a क्या है देखिए ध्यान से x2 upon a2 a2 16 है तो a क्या हो गया 4 हो गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4, जीरो वाला पॉइंट लिख सकते हैं क्लियर है अब समझिए बी क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बी हमारा हो जाएगा थ्री ए इज इक्वल टू फोर बी इज इक्वल टू थ्री हो गया तो यहां पे बी कॉमा जीरो लिखे बी कॉमा जीरो नहीं जीरो कॉमा बी आएगा तो यहां पे हो जाएगा जीरो कॉमा थ्री तो हमें लिमिट्स मिल गई हैं यहां पे क्या करना है हमें इलिप्स का एरिया फाइंड करना है पूरा इलिप्स ये है लेकिन कैसा होता है सिमेट्रिकल होता है चारों एक्सिस के लिए ठीक है दोनों ही एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल होता है तो चारों जो रीजियन होंगे वो सेम होंगे इसीलिए अगर मैं o, A, और बी का रीजियन फाइंड कर लू मल्टीप्लाई विथ फोर कर लू तो पूरे एलिप्स का मुझे एरिया मिल जाएगा जी हाँ तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू फोर इंटू एरिया ऑफ रीजियन ओ ए बी ठीक है अब फोर इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा देखिए यहां पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे अगर लिमिट ले हम इस कर्व की बात करें यह हमारा कर्व हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंडर में जो रीजियन आ रहा है अंडर दी कर्व कौन सा रीजियन है यह रीजियन है तो लिमिट जीरो से लेके कहां तक लगेगी फोर तक लगेगी क्योंकि ए पॉइंट है और यह फोर है एक्स एक्सिस के लिए फोर है तो लिमिट जीरो टू फोर y dx क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे है तो इंटीग्रेशन पे विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx करेंगे ठीक है फोर इंटीग्रल जीरो टू फोर वाई क्या है भाई वाई तो फाइन करना पड़ेगा यहां से कैसे फाइन करेंगे चलिए देखते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में नाइन इज इक्वल टू वन ये हमें गिवन है ठीक है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में नाइन इज इक्वल टू वन माइनस एक्सक्वायर बाय सिक्सटीन हो गया ये हमें मिल गया ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट वन माइनस एक्सक्वायर बाय सिक्सटीन ये वाई की वैल्यू मिल गई हमें तो इस वाई को अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो गया यहाँ पे थ्री अंडर रूट वन माइनस एक्सक्वायर बाय सिक्सटीन डी एक्स हो गया ठीक है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या होगा ये थ्री बाहर निकल गया तो फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया इंटीग्रल जीरो टू फोर अंडर रूट सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में सिक्सटीन डी एक्स अब सिक्सटीन है उसका रूट निकल जाएगा फोर वो भी बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा ट्वेल्व बाय रूट में से क्या हो जाएगा सिक्सटीन निकल जाएगा फोर अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा और बच गया इंटीग्रल जीरो टू फोर सिक्सटीन को लिख सकते हैं फोर स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वे डीएक्स यहां तक क्लियर है अब क्या करेंगे इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे समझिए अब ट्वेल्व बाय फोर क्या हो गया ट्वेल्व बाय फोर हो गया हमारे पास इंटीग्रल इंटीग्रीरोक्र माइनस एक्स तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगती है क्या है वो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहां पे थ्री माइनस एक्स स्क् के लिए हो जाता है एक्स बाय टू एक्स बाय जो भी फंक्शन है मतलब फोर स्क्सटीन माइनस एक्स a स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 by two, sin inverse x upon में a मतलब क्या है four. ये हमारे पास हो जाएगा और इंटीग्रल जीरो लिमिट जीरो फोर लग जाएगी बस अब क्या करना है अपर लिमिट लगा के माइनस लोअर लिमिट कर देना है और आंसर हमें मिल जाएगा तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास थ्री अपर लिमिट लगाइए फोर बाय टू टू हो गया सिक्सटीन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया प्लस में सिक्सटीन बाय टू एट हो गया साइन इनवर्स फोर बाय फोर क्या होगा वन होगा ये लग गई अपर लिमिट यहां पे ठीक है ये अपर लिमिट लग गई माइनस में क्या करेंगे लोअर लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट क्या होगी जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो हो गया प्लस में सिक्सटीन बाई टू है तो एट हो गया साइन इनवर्स क्या होगा जीरो हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो हो गया इस तरह से हमें मिल गया है बस अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे 16 16, हो गया, तो यह टर्म इनवर्स वन तो यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा थ्री एंड टू यह तो जीरो हो गया एट के साथ साइन इनवर्स वन मतलब पाए बाई टू साइन इनवर्ट्स वन मतलब क्या होता है पाए बाय टू होता है प्लस माइनस में जीरो है साइन जीरो की वैल्यू साइन इनवर्स जीरो मतलब क्या जीरो ही होता है तो सिर्फ और सिर्फ एट इन पाई बाई टू बच गया तो यहां पर टू जा हो जाएगा ठीक है टू जा तो फोर थ्री जा ट्वेल्व पाई जो है हमारा आंसर आ जाएगा किसके लिए आंसर आएगा एरिया ऑफ इलिप्स के लिए क्योंकि फोर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था पूरे इलिप्स का एरिया क्या आ गया ट्वेल्व पाई यूनिट्स हो गया ट्वेल्व पाई यूनिट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फाइव है फाइंड द एरिया ऑफ द रीज़न बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन तो जो गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर प्लस अपॉन में नाइन इज इक्वल टू वन हम लिख लेते हैं अब समझिए पे पे ये जो है, यहाँ पे y का जो है है का डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू एक्सक्वायर के डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है ज्यादा है नाइन ग्रेटर देन फोर है तो हमारा जो इलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस कहां पे होंगी जी हां वाई पे उसकी मेजर एक्सिस होंगी तो इलिप्स कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है हमें एलिप्स होगा हमारा इस तरह से वाई एक्सिस पे क्लियर है चलिए ये ये एक्सिस एक्सिस हो हो गई ये x हो गई अब समझिए हमारे पास यहाँ पे ए क्या होगा ए की वैल्यू क्या होगी ए हमेशा हम मेजर एक्सिस लेते हैं तो ए की वैल्यू थ्री हो जाएगी ठीक है तो ये वाई एक्सिस पे आने वाला है अब माइनर एक्सिस बी स्क्वायर तो यहाँ पे बी क्या हो गया बी की वैल्यू हो गई, ठीक है? इसे इसे बोलते बोलते हैं, इसे semi minor axis बोलते हैं. Major axis actually होता है ठीक है तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे थ्री हो गई तो यहां पे जो वैल्यू है वो होगी जीरो कॉमा थ्री क्लियर है और ये जो वैल्यू है बी वो कहाँ पे आएगा वो यहां पर होगा टू कॉमा जीरो तो हमें क्या है एक्स एक्सिस भी पता है वाई एक्सिस भी पता है तो आप कोई भी लिमिट लेके इस पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हो ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले रीजियन का फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई विथ फोर कर लेंगे तो आप चेक कर सकते हो अगर आप इस कर्व के लिए लिमिट जीरो टू थ्री ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा एक्स डी वाई और अगर लिमिट जीरो हैं तो वाई डी एक्स करना पड़ेगा जैसे आपकी कन्वीनियंस है आप कर सकते हो लेकिन हम इजी पढ़े इसलिए क्या करेंगे दोनों ही ईजी है लेकिन हम क्या करेंगे वाई डी एक्स लेंगे यहां पर रीजियन का नाम दे देते हैं ओ ए बी तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा यहां पे एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इंटू एरिया ऑफ ऑफ रीजियन ओ ए बी ठीक है ओ ए बी लेकिन ओ ए बी का एरिया क्या होगा फोर इंटू इंटीग्रल एरिया अंडर दी कर ठीक है वो भी क्या है एरिया अंडर दी कर्व इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मतलब जीरो टू लिमिट कहां जाएगी टू तक जाएगी जीरो टू टू वाई डी एक्स ठीक है क्योंकि हमने लिमिट एक्स एक्सिस पे ली है तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा इसीलिए y y y dx अब आप पूछेंगे है वाई हम यहां से लेके आएंगे ये अगर ऐसे है तो वाई स्क् वन माइनस एक्स स्क्तर अपॉन में फोर हो गया तो y क्या होगा y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट यहां पे नाइन यहां पे जाएगा और उसका रूट निकल जाएगा तो थ्री इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्सक्वायर बाय फोर हो गया ठीक है इसे हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं चलो इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या होगा वाई इज इक्वल टू फोर यहाँ पे चला जाएगा तो थ्री इन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्र अपॉन में फोर अब फोर का रूट निकल के बाहर आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो गई थ्री बाय टू अंडर रूट टू माइनस एक्स ये y की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इंटू इंटीग्रल जीरो टू टू वाई क्या है थ्री बाई टू इंटू टू का स्क्वायर थ्री बाई टू इंटू अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क् डी एक्स ये वैल्यू है वाई के लिए ठीक है क्या होगा थ्री बाई टू बाहर आ गया तो क्या होगा टू टू जोर टू थ्री जा सिक्स हो गया अल्टीमेटली इंटीग्रल जीरो टू टू अंडर रूट टू स्क्वाइनस एक्स स्क् dx अब यहां पे तो फॉर्मूला लगेगी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की ठीक है स्क्वायर माइनस एक्स की फॉर्मूला याद होनी चाहिए क्या होता है एक्स टू अंडर रूट जो भी फंक्शन है हमारा है फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू ए क्या है टू उसका स्क्वायर फोर तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू टू है और लिमिट्स हमारे पास जीरो लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टू लग गई यहां पे क्लियर है तो कैसे लिखेंगे इसे इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिक्स इन टू क्या होगा अपर लिमिट लगाएंगे सबसे पहले टू अपर लिमिट लगेगी तो टू बाई टू वन हो गया यहां पे फोर माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा टू बाई टू तो वन हो गया अंडर रूट में क्या बच गया फोर माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर बच गया ठीक है प्लस में फोर बाय टू क्या हो गया टू हो गया साइन इनवर्स टू बाई टू वन मतलब sin क्या हो गया इनवर्स का 1. ठीक है ये हो गया साइन इनवर्स वन हमारे पास और क्या बचेगा हमारे पास और यहां पे बच गया माइनस में लोअर लिमिट कैसे लगेगी माइनस में लगेगी लोअर लिमिट चलिए लोअर लिमिट हमारे पास जीरो है तो ये तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई जीरो हो गई पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई प्लस में क्या बचा प्लस में फोर बाय टू मतलब टू साइन इनवर्स जीरो साइन इनवर्स जीरो जीरो बाय टू क्या होगा जीरो ही होगा ठीक है तो साइन इनवर्स जीरो बच गया हमारे पास अब देखिए फोर माइनस फोर जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई बचा क्या टू इन टू यहां पर बच गया सिक्स ये जीरो हो गया टू इन टू साइन इनवर्स वन मतलब क्या पाई बाय टू क्या हो गया पाई बाय टू हो गया अब समझिए माइनस का जीरो साइन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो ही होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा सिक्स इंटू टू इंटू पाई बाई टू तो टू टू कैंसल आउट हो गया अल्टीमेटली बचा सिक्स पाई यूनिट्स क्या बच गया सिक्स पाई यूनिट्स ये हमारा आंसर हो गया इस इलिप्स का एरिया आ गया सिक्स पाई यूनिट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर रीजन इन दर्स्ट क्वार टू रूट सर्कल इज इक्वल टू फोर इसे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू स्क्वायर कर सकते हैं ये सर्कल का फॉर्मूला है जहां पे सेंटर क्या है ओरिजिन हमारा सेंटर है और रेडियस ए स्क्वायर मतलब ए यहाँ पे रेडियस क्या हो गई टू हो गई तो रेडियस टू वाला जिसका सेंटर ओरिजिन मतलब सेंटर जीरो कॉमा जीरो है वैसा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम यहां पे ये सर्कल हो गया हमारा ये ओरिजिन का ओ जीरो कॉमा जीरो पॉइंट हो गया और रेडियस जो है हमारी टू है ये रेडियस क्या है टू है तो टू कॉमा जीरो ये यहां पे एक पॉइंट हो गया फिर क्या बोला है एक लाइन है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई ये हमारी लाइन है अब इस लाइन को भी यहां पे फिगर में ड्रॉ करना है हमें ठीक है कैसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स लेते हैं दो तो. क्या लेते हैं दो पॉइंट्स लेंगे हम x एंड y, x जीरो है तो y भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है x जीरो है तो वाई क्या हो जाएगा जीरो अब समझिए अगर मैं x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू क्या ले लू वन ले लू y की वैल्यू मैं वन ले लू तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट थ्री हो जाएगी क्लियर है लेकिन मैं रूट थ्री यहां पे कहां पे बताऊंगा ठीक है इसीलिए वन टू थ्री हम नहीं ले रहे हैं हम अज्यूम करके कहीं भी पॉइंट कर लेंगे कि लाइन हमारी कहां होगी समझिएगा आप यहां पे वन और रूट थ्री है अगर ये इस सर्कल के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है। पहले तो जीरो जीरो वाली लाइन पास कहां से होगी वो हमेशा ऐसे ही पास होगी हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होगी क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है अगर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ वाई भी पॉजिटिव मिलेगा तो हमें लाइन कहाँ पे मिलेगी एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी अगर एक्स नेगेटिव ले रहे हैं तो वाई भी नेगेटिव तो हमेशा जो लाइन है वो सेंटर में से फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होगी अब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा समझिए अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे है मान लीजिए सर्कल पे है तो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा चेक करते हैं वन का स्क्वायर वन वाई क्या है हमारे पास वाई की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन और एक्स की वैल्यू रूट थ्री है रूट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री प्लस वन टू स्क्वायर है फोर आ रहा है तो ये पॉइंट जो है वन कॉमा रूट रूट थ्री कॉमा वन सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल के इक्वेशन को तो ये पॉइंट यहां पर आएगा रूट थ्री कॉमा वन ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो लिख सकते हैं देरफोर इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ लाइन एंड सर्कल इज रूट थ्री कॉमा वन ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमें क्या करना है इस एकस ये लाइन और इस सर्कल के बीच का एरिया जो क्या होगा वो होगा ये वाला एरिया ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो हमारा एरिया हमें फाइंड फाइंड करना करना है कैसे फाइंड करेंगे एरिया अंडर दी कर्व करना पड़ेगा लेकिन कौन सा कर्व लू ये सर्कल वाला तो इतना ही कर्व दे रहा है ये सर्कल जो है वो इतना ही कर्व दे रहा है ठीक है और ये लाइन जो है इस साइड का कर्व दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे हम कुछ इस तरह से इसके दो पार्ट कर सकते हैं क्या करेंगे इसके दो पार्ट कर देंगे कैसे इस लाइन के नीचे मुझे एक ट्रायंगल वाला मिल रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंडर में जो कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो एक ट्रायंगल जैसा है और इस सर्कल की कर्व की मैं बात करूं इस कर्व के नीचे ये वाला एरिया है इन दोनों के एरिया को मैं प्लस कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा ये पॉइंट यहां पे जीरो जीरो है इसे मैं मान लेता हूं ये एम है ये पॉइंट ए है ठीक है तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजियन इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजियन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ठीक है एक ट्राइंगल बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ओ प्लस में एरिया ऑफ एरिया ऑफ इसका एरिया किसका एरिया भाई ए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं बी ठीक है कोई पॉइंट बी ले ले लेते हैं एरिया ऑफ ए बी एम रीजियन ए बी एम एरिया ऑफ रीजियन ए बी एम ट्राइंगल नहीं है ये ये एक रीजियन है ए बी एम ठीक है जो कहाँ पे आ रहा है कर्व के अंडर में आ रहा है लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं वो होता है वन बाई टू बेस इन टू हाइट बेस क्या है भाई बेस यहां पे समझिए इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट वो हमारी लिमिट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट रूट थ्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा ओ एम इंटू ए एम ओ एम इंटू ए एम बेज इंटू हाइट पहले लिख लेते हैं ये बेस ये हाइट ये बेस कितना होगा रूट थ्री हो जाएगा और ये हाइट कितनी हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट वन हो जाएगा अब इसकी मैं बात करूं इस रीजियन के एरिया वो कैसे लिख सकते हैं प्लस में इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है ये कर्व ये कर्व की x लिमिट जो है यहां से रूट थ्री है और y लिमिट जो है यहाँ पे y लिमिट नहीं x ही लेकिन उसका एंड कहां पे हो रहा है टू पे हो रहा है तो इंटीग्रल रूट थ्री से लेके टू तक इंटीग्रल रूट थ्री से लेके टू तक के अंडर में जो एरिया आ रहा है y dx क्योंकि लिमिट x पे ले रहे हैं तो यहाँ पे dx हो जाएगा ये हमारा क्या है कर्व है कर्व कौन सा है जी हाँ सर्कल वाला कर्व है ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे O M की वैल्यू है root three one by two root three into A M क्या है A M तो y एक्सिस का one हो गया प्लस में इंटीग्रल root three से लेके two तक y d x y क्या है ये कर्व की बात चल रही है अब ये कर्व क्या है हमारा x square plus y square is equal to two square तो y क्या हो जाएगा अल्टीमेटली y हो जाएगा हमारा

क्या होता है एक्स बाय टू अंडर रूट जो भी है फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए क्या है टू है ए स्क्वायर बाय टू मतलब फोर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में ए क्या है टू है हमारा ठीक है और लिमिट्स थी हमारे पास क्या थी लिमिट्स रूट से ले root 2 root से लेके रूट टू तक रूट थ्री से लेके टू तक ठीक है बस अब अपर एंड लोअर लिमिट लगा देनी है क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय टू प्लस में अपर लिमिट लगाइए टू अपर लिमिट टू बाय टू क्या हो गया वन हो गया यहां पे फोर माइनस टू का स्क्वायर रखेंगे तो अल्टीमेटली ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी सीधी सी बात है प्लस में फोर बाय टू टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स टू बाय टू क्या होगा वन साइन इनवर्स वन हो गया ठीक है माइनस में क्या लगेगी लोअर लिमिट लगेगी रूट थ्री बाय का टू क्या लग गया रूट थ्री बाय टू यहां पे अंडर रूट हो जाएगा फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री मतलब फोर माइनस थ्री हो गया प्लस में क्या होगा फोर बाई टू तो टू हो गया इनवर्स रूट थ्री बाय टू ये हो गया यहां पे ठीक है और ये ब्रैकेट क्लोज करना है हमें ठीक है तो यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया जिससे क्या होगा रूट थ्री बाय टू प्लस में जीरो तो जीरो हो गया

पाई बाय थ्री मिल गया हमें टू इंटू पाई बाय थ्री मिल गया बस इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो रूट थ्री बाय टू ये टू और टू कैंसल हो गया यहां पे क्या मिल जाएगा हमें पाई माइनस रूट थ्री बाय टू यहां पर प्लस है रूट थ्री बाय टू प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस टू पाई बाय थ्री ये मिल गया अब समझिएगा ये थ्री बाय टू पॉजिटिव और ये माइनस रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली बचेगा पाई माइनस ये पाई माइनस का टू पाई बाय थ्री बच गया क्या बच गया पाई माइनस का टू पाई बाय थ्री जिसका आंसर होता है क्या होता है भाई आंसर यहाँ पे हो जाएगा थ्री टू जा थ्री पाई जा थ्री पाई माइनस टू पाई पाई बाई थ्री जो है अल्टीमेट आंसर आ जाएगा जो क्या है एरिया है हमारा पाई बाय थ्री यूनिट्स हो गया क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन सेवन देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए रूट टू तो जो भी हमें सर्कल गिवन है एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमने लिख लिया और यहाँ पे और क्या गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू की है ठीक है तो सर्कल ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे सिंपल सा सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे जिसकी रेडियस क्या है ए है जिसकी रेडियस क्या है ए है तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ठीक है जिसकी रेडियस क्या है ए हमने लिख ली तो पॉइंट क्या हो गया ए कॉमा जीरो हो गया ये हमारा ओरिजिन क्या हो गया ओरिजिन हो गया अब समझिए और लाइन के बन है x इज इक्वल टू ए बाय टू मतलब ये जो वैल्यू है वो x की कोई वैल्यू मान लीजिए फाइव है तो कहां पे आएगा ऐसे वर्टिकल लाइन आएगी सिक्स होगी तो वर्टिकल लाइन आएगी ये भी ए बाई रूट टू एक वर्टिकल लाइन आएगी लेकिन कहाँ ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे या सर्कल के बाहर ये जो यहां पे हमारे पास एक लेंथ है वो लेंथ ए है जिसको हमने रूट टू से डिवाइड किया है तो कहां पे आएगी वो लाइन सर्कल के अंदर आएगी इस तरह से अब आप कहेंगे क्यों इस पॉइंट के नजदीक ड्रॉ किया है क्योंकि रूट टू मतलब वन पॉइंट समथिंग होता है वन पॉइंट फोर के आसपास तो जो लाइन होगी वो सेंटर पे नहीं टुवर्ड्स ए आएगी ठीक है तो इतना एरिया स्मॉलर एरिया हमें फाइंड करना है ठीक है स्मॉलर एरिया फाइन कर लेना है ठीक है ये अगर मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है ये बी है ये सी है और ये डी है हमें रीजियन फाइन करना है ए बी सी डी क्लियर है तो एरिया ऑफ रीजियन ए बी सी डी इज इक्वल टू कौन सा रीजियन एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी लेकिन ये तो सिमेट्री है एक्स एक्सिस के साथ तो हम लिख सकते हैं टू इंटू एरिया ऑफ क्या करेंगे एरिया ऑफ ए सी डी जो ट्राइंगल नहीं है क्या है एक रीजियन है ए टू एरिया ऑफ ए सी डी तो सीधा सीधा एरिया ऑफ ए सी डी पहले फाइन कर लेंगे फिर क्या करेंगे जी हाँ मल्टीप्लाईवेट टू कर लेंगे एरिया ऑफ ए सी डी क्या होगा समझिए एरिया ऑफ ए सी डी क्या होगा एरिया अंडर दिस ये डी से लेके सी तक के अंडर में जो एरिया आ रहा है वो एरिया होगा मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अब ये पॉइंट पे वैल्यू क्या है ये तो हमारी लाइन थी एक्स इज इक्वल टू ए रूट टू तो ये पॉइंट कौन सा हो गया ए बाय टू तो इंटीग्रल कहां से कहाँ तक आएगा इंटीग्रल ए बाई रूट टू इस पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक ये पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक अब सी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए है तो लिमिट हमने एक्स की लगाई है तो इंटीग्रेशन uh, जो है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स से करेंगे तो वाई डी एक्स हमारी फॉर्मूला हो गई जहां पे वाई क्या है इंटीग्रल ए बाय टू से लेके ए वाई क्या है वाई हमें यहां से मिलेगा क्या मिलेगा भाई वाई वाई मिल जाएगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस X square. तो यहां पे लिख लेंगे लिख लिख लिया लिख लिया भाई बस इसका area find करेंगे फिर last में से मल्टीप्लाई कर देंगे अब a square minus x square की तो फॉर्मूला पता है हमें क्या होती है भाई फॉर्मूला वो होती है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन में a ये होती है फॉर्मूला और लिमिट लग जाएगी क्या है लिमिट a बाय टू से लेके a तक बस अपर एंड लोअर लिमिट लगा देनी है क्या हो जाएगा यहां पे अपर लिमिट लगाएंगे तो a बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो जीरो हो जाएगा यहां पे होगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स a है तो a बाय वन हो गया ये लग गई अपर लिमिट अब क्या करना है माइनस में लोअर लिमिट लगानी है क्या है लोअर लिमिट ए बाय रूट टू तो यहां पे एक्स की जगह पे ए बाय रूट टू रखेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा ए बाय टू रूट टू क्या हो गया ए बाय टू रूट टू अंडर रूट में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगा प्लस में क्या बच गया ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए है लेकिन अब x क्या है a बाय रूट टू है तो अल्टीमेटली a बाय रूट टू ए ए कैंसल आउट हो जाएगा बचेगा सिर्फ वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू बच गया यहां पे ब्रैकेट क्लोज हो गया बात समझ में आ रही होगी अब समझिए ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये तो जीरो हो गया ठीक है तो इसे अब कैसे लिखेंगे इसे अब हम लिख सकते हैं यहां पे इज इक्वल टू ये पूरी टर्म जीरो हो गई क्या हो गई पूरी टर्म जीरो हो गई बचा क्या यहां पे ए स्क्वायर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू क्या होता है भाई और साथ में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बाई टू तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर बाई टू और उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाई रूट टू ए बाय टू कि क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में लेकिन ये माइनस को मैं अंदर लेके गया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू क्या होता है पाई बाय फोर होता है क्या होता है भाई पाई बाय फोर ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू यहां से अगर हम क्या कॉमन ले लेक्वायर बाई टू स्क्वायर बाय टू कॉमन ले, ले लू मैं तो क्या मिल जाएगा स्क्वायर बाय टू तो क्या मिला पाई बाय टू माइनस का पाई बाय फोर माइनस का पाई बाय फोर हो गया माइनस में क्या बचा ए इंटू एक्टर रूट टू इंटू रूट टू टू इंटू टू फोर हो गया बाय है. है? तो फोर क्या हो जाएगा पाई बाय फोर ही हो जाएगा और माइनस में क्या हो गया ए स्क्वायर बाय फोर हो गया यहां दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं स्क्वायर बाय फोर कॉमन निकाल सकते हैं तो ए स्क्वायर बाय फोर कॉमन निकाल लेते हैं ए स्क्वायर बाय फोर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ए स्क्वायर बाय फोर कॉमन निकल गया बचा क्या पाई बाय टू माइनस का वन पाई बाय टू माइनस का वन ये बच गया मेरे पास तो क्या आंसर आया नहीं आंसर हमारे पास एरिया ऑफ ए आया इतना एरिया आया है हमें तो एरिया ऑफ ए फाइंड करना है मतलब टू इंटू एरिया ऑफ ए क्या आ गया ए स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर बाय फोर इंटू पाई बाय टू माइनस वन इन पाई बाई टू माइनस वन ये आया था एरिया ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा टू टू कैंसल हो जाएगा यहाँ पे तो ए स्क्वायर बाई टू पाई बाय टू माइनस वन ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है एरिया ऑफ दिस स्मॉलर रीजियन इज स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन एट है द एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू फोर इज डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट्स मतलब सबसे पहले क्या करते हैं जो कर्व गिवन है और लाइन गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं क्या है भाई कर्व कर्व हमारा पैराबोला है कौन सा है भाई पैराबोला है कौन सा पैराबोला है यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है मतलब क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब सिमेट्री जो है वो हमारी x एक्सिस की है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सिमेट्री क्या है एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्री है दूसरी लाइन जो गिवन है एक्स इज इक्वल टू फोर यहां पे कोई लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू फोर x इज इक्वल टू फोर मैंने ड्रॉ कर लिया अब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है किस लाइन से x इज लाइन से तो यहां पे बीच में कोई लाइन होगी ठीक है जो क्या करेगी ये पूरे पार्ट को ये और ये इन दोनों पार्ट्स में जो इक्वल पार्ट्स है उस एरिया में डिवाइड कर देगी ये हमें गिवन है ये कौन सी लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए है ये ओरिजिन है ये मान लीजिए हमारा ई e और एफ पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है डी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है ठीक है क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए भाई इस ए की वैल्यू इस पॉइंट की या x इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है अब समझिए जो सिमेट्री है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम है द क्या है द एरिया इज सिमेट्रिक विथ एक्सिस ठीक है ये एक तो चीज है और दूसरा यह भी गिवन है कि लाइन जो है इस एरिया को आधा आधा कर रही है मतलब ये एरिया और यह एरिया तो सेम हो गया ठीक है एक्सिस की वजह से अब इस एरिया में भी यह लाइन जो है दोनों एरिया को क्या कर रही है हाफ आफ कर रही है मतलब ये एरिया और ये एरिया कैसा होगा सेम होगा तो हम लिख सकते हैं देयर एरिया ऑफ रीजियन ओ डी ओ ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजियन डी सी एफ ई एरिया ऑफ रीजियन डी सी एफ ई ऐसा हम लिख सकते हैं ठीक है अगर मैंने दोनों के एरिया फाइंड कर लिए और कंपेयर कर लिया तो मुझे एक ही वैल्यू मिल जाएगी ठीक है अब हमें पॉइंट्स चाहिए अब ये एरिया कौन से कौन से हैं इस रीजियन की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ

डी एक्स अब ये वाई कौन सा है भाई ये वाई हमारा कौन सा है कव के लिए है तो बस कव तो हमारे पास कौन सा की है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो बस वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रल जीरो टू ए वाई क्या है वाई हमारा रूट एक्स होगा रूट एक्स मतलब एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू मतलब क्या एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू और लिमिट क्या लग जाएगी जीरो एंड ए थ्री बाई टू बाहर निकल के हो जाएगा टू बाय थ्री और अपर लिमिट लगेगी ए की पावर थ्री बाई टू माइनस में जीरो की पावर थ्री बाई टू तो जीरो ही हो जाएगा अल्टीमेटली एक तो हमने ये मिल गया अब मैं डी सी एफ ई का एरिया फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ डी सी एफ ई क्या होगा एरिया ऑफ डी सी एफ ई अगेन कर्व की बात करें तो डी सी एफ ई मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पे जो कर्व है उसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो भाई क्या है ये पॉइंट ई e वाला ये तो ए है इंटीग्रल ए है ठीक है और ये सी पॉइंट क्या है सी पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे इज इक्वल टू फोर है सो so, ए से लेके फोर तक वाई डी एक्स ये हमारा एरिया हो गया यहाँ पे तो इंटीग्रल ए टू फोर वाई क्या है वाई तो हमारे पास रूट एक्स है रूट एक्स कहां से आया एक्स की पावर वन बाई टू यहां से आया y, x के is equal to y square है, तो हो हो गया, यहां पे dx हो गया। पे ठीक है तो क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाई टू अपन में थ्री बाय टू और लिमिट्स लगा देंगे ए टू फोर ये लिमिट लग गई अपर लिमिट फोर लगाएंगे लोअर लिमिट ए लगाएंगे तो यहां पे थ्री बाय टू बाहर निकल के हो जाएगा टू बाई थ्री फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस ए की पावर थ्री बाई टू ये मिल गया हमें ठीक है क्या करेंगे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे टू बाई थ्री फोर की पावर थ्री क्या होती है सिक्सटी फोर 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 जा सिक्सटीन फोर जी सिक्सटी फोर उसकी पावर वन बाई टू बच गई वन बाई टू मतलब रूट निकालना है सिक्सटी फोर का रूट हो जाएगा एट तो एट माइनस में ए की पावर थ्री बाई टू ये हमें मिल गया क्लियर है लेकिन क्या किया था हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ए बी अब क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे तो देखिए क्या है कंपेयर करने पर क्या मिलेगा ये एरिया टू बाई थ्री ए की पावर थ्री बाई टू टू बाय थ्री ए की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू ये एरिया था और ये भी एरिया है टू बाई थ्री एट माइनस ए की पावर थ्री बाई टू टू इन टू एट माइनस ए की पावर थ्री बाई टू दोनों ही साइड क्या है ये टू बाय थ्री है ठीक है ये क्या है टू बाय थ्री टू बाई थ्री कैंसल आउट हो गया बचा मेरे पास ए की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू एट माइनस ए की पावर थ्री बाई टू यह बच गया अब माइनस है ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली टू ए की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू एट हो जाएगा ए की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा एट बाई टू फोर हो गया अब समझिए अगर इस साइड स्क्वायर होता वो साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा ठीक है रूट होता तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब पावर चेंज हो जाती है तो ए की पावर टू बाई थ्री की जगह पे क्या हो जाएगा A is equal to 4 की पावर 2 3, ये आंसर हो जाएगा और हमें फाइंड क्या करना था ए ही तो फाइंड करना था देखिए यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो ए क्या आ गया फोर की पावर टू बाई थ्री ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नाइन है उसका एरिया हमें find करना है. तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई इज इक्वल टू एक्सक्वायर मतलब एक्सक्वायर इज इक्वल टू वाई जो पैराबोला है वो आएगा सिमिट्रीविथ वाई एक्सेज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है इसलिए अब समझिए एक और कर्व है y इज इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ है वो हमेशा सेंटर में से पास होती हुई और एक एंगल बनाती हुई इस तरह से बनती है हमारे ग्राफ मिलता है हमें y इज इक्वल टू मोड x का ठीक है हमें ये एरिया फाइंड करना है दोनों ही तरफ ठीक है ये एरिया भी और ये एरिया भी ये ओरिजिन ओ हो गया इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं ठीक है यहां पे पॉइंट बी मान लेते हैं ठीक है ये एरिया ये एरिया और ये एरिया हमें फाइंड करना है। इसे मान लेते हैं पॉइंट सी है क्या है पॉइंट सी है अगर मैं क्या करूं यहां एक ट्रायंगल बना दू एरिया तो कैसे है सेम है तो हमें टू एरिया ऑफ शेडेड रीजियन शेडेड रीजियन क्या होगा इज इक्वल टू टू एरिया ऑफ किसका एरिया भाई टू इन टू एरिया ऑफ ओ ए सी ओ ओ ए सी ओ ये अगर मिल जाए तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा ठीक है क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है तो ओ ए सी ओ का एरिया इन टू टू मतलब शेडेड रीजन का एरिया अब ओ ए सी का एरिया भाई कैसे फाइंड करेंगे समझिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे एम हो गया ठीक है अब अगर मुझे यहां से लिमिट और ये पॉइंट पता चल जाए मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पता चल जाए और इंटीग्रेशन में करके आंसर लेके आ सकता हूं सबसे पहले ये पॉइंट तो जीरो है दूसरी लिमिट क्या है मतलब ये और ये जो वाई इज इक्वल टू मोड एक्स ग्राफ के लिए ये पॉइंट मिल रहा है यहां पे हमें फाइंड करना है एक इंटरसेक्शन पॉइंट कब बनेगा यह समझिए एक्सक्वायर इज इक्वल टू वाई है एंड y इज इक्वल टू मोड एक्स है y इक्वल टू क्या है मोड एक्स है अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या होगी या तो पॉजिटिव वन या तो नेगेटिव वन ठीक है कंसिडर कीजिए ये पॉइंट वन कॉमा वन है कौन सा पॉइंट है वन कॉमा वन एक यहां पे पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 1,1 और इस काओ के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 1,1 ठीक है तो यहां पे 1 रखिए 1 का स्क्वायर 1 वाई की वैल्यू भी 1 है तो 1 1 आ गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया यहां पे 1, क्लियर है अगर मैंने पॉइंट लिया होता टू इज इक्वल टू यहां पे टू है ठीक है तो टू कॉमा टू के लिए क्या सेटिस्फाई होता नहीं होता क्योंकि टू का स्क्वायर फोर हो गया तो 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 नॉट पॉसिबल है हमेशा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे लिए यहां पर मिलेगा वन कॉमा वन ठीक है तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे हम जीरो टू वन की लिमिट लगा सकते हैं तो एरिया ऑफ कौन सा रीजन फाइंड करेंगे OACO. OACO. इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए अब यहां ये छोटा सा एरिया कैसे फाइंड करेंगे अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से मैं एरिया जो ये ब्लैंक एरिया है उसको माइनस कर दूं वो एरिया तो क्या है इस पैराबोला के नीचे जो एरिया आ रहा है वही एरिया है ठीक है तो यहां पे ये वैल्यू वन है ये वैल्यू वन है तो ट्राइंगल ओ एम ए का एरिया ट्राइंगल ओ एम ए का जो एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम ए उसमें से माइनस कर दे अगर हम माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया ओ सी एम ओ एरिया ऑफ ओ सी एम ओ ये जो ब्लैंक रीजियन दिख रहा है जो विदाउट शेड है है ठीक उसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा अब क्या करना है एरिया ऑफ ओ एम ए मतलब तो बेस इंटू हाइट मतलब ओ एम इंटू ए एम वन बाई टू इंटू ओ एम इंटू ए एम यही तो होता है ट्राइंगल के लिए ठीक है माइनस में सी एम ओ क्या है ये कहो पैराबोला के लिए इंटीग्रेशन में कर दू जीरो से लेके वन तक इंटीग्रल जीरो कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया क्लियर है 2, की वैल्यू क्या है ओ एम की वन है क्योंकि एक्स एक्सिस वन है वाई एक्सिस भी वन है तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन तो अल्टीमेटली वन बाई टू ही मिल जाएगा माइनस में इंटीग्रल जीरो टू वन वाई क्या है वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वन है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे एक्स dx हो गया ठीक है तो क्या होगा वन बाई टू माइनस का एक्स क्यूब बाय थ्री एंड जीरो टू वन क्या हो जाएगा वन बाय टू माइनस का वन बाय थ्री जो है आंसर आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा यहां पे थ्री वन जा थ्री टू वन जा टू थ्री माइनस टू वन वन बाय सिक्स जो है हमारा आंसर आया लेकिन ये जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ एक शेडेड रीजन का आया हमें तो क्या करना है ये एरिया भी फाइंड करना है तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा टू इन टू एरिया ऑफ ओ एसी क्या आ गया वन बाय सिक्स आ गया तो वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया टू बाय सिक्स मतलब वन बाय थ्री जो है वो आंसर आएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या करना है, इन दोनों कर्व से जो बन रहा है एक रीजियन का उसे हमें फाइंड करना है सबसे पहले क्या करेंगे x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे ये हमारी y एक्सिस हो गई यहाँ पे x एक्सिस हो गई ठीक है समझिए अब ये है एक्स स्वायर इज इक्वल टू फोर वाई जो एक पैराबोला है तो यहां पे मैं पैराबोला ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से जो सिमेट्रिक है विथ वाई एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई और क्या गिवन है एक लाइन गिवन है जो है x इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू अब इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए दो पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे x एंड y समझिए यहां पे क्या होगा अगर y की वैल्यू मैं वन ले लूँ तो फोर वन जा फोर माइनस टू टू हो गया और x की वैल्यू हम माइनस वन एक पॉजिटिव ले ली एक नेगेटिव ले, ले लेते हैं x की वैल्यू माइनस वन है तो y की वैल्यू आ जाएगी वन बाई फोर क्लियर है तो ये दोनों ही पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये जीरो है ठीक है यहां पे वन यहां पे टू ले लेते हैं वन एंड टू यहां पे क्या हो गया माइनस वन एंड माइनस टू यहां पे भी वन एंड यहां पे टू ये दो पॉइंट हमने लिख लिए ये कौन सा पॉइंट है टू कॉमा वन जो कहां पे आएगा यहां पे टू कॉमा वन एक पॉइंट आएगा दूसरा पॉइंट है माइनस वन कॉमा वन बाय फोर जो आएगा कुछ यहां पे माइनस वन कॉमा वन बाय फोर यहां पे आ जाएगा क्लियर है ठीक है ये कुछ यहां पे जो है आपका पॉइंट आ जाएगा अब समझिए ये जो लाइन है हमारी पास होगी इन दोनों पॉइंट्स में से ठीक है तो क्या होगा हमें ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है ठीक है कैसे फाइंड करेंगे हमारे पास तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की मैं बात करूं ये लाइन की उसके अंडर ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है और ये शेडेड पोर्शन है दोनों ही आएंगे हमें तो सिर्फ शेडेड पोर्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजियन इज इक्वल टू क्या होगा एरिया इस लाइन के अंडर इस लाइन कौन सी है ये लाइन एक्स इज़ इक्वल फोर वाई माइनस टू ठीक है ये लाइन के अंडर जहां पे लिमिट लगेगी एक्स एक्सिस के लिए माइनस वन से लेके टू तक इंटीग्रल माइनस वन से लेके टू इस लाइन के अंडर में जो एरिया आ रहा है वाई जो की लाइन है एक dx उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या माइनस करना पड़ेगा ये पैराबोला के अंडर क्या आ रहा है एक और दो दोनों ही एक ब्लैंक पोर्शन खाली पोर्शन जो दिख रहा है वो आ रहा है अगर इन दोनों के मैं माइनस कर दूं तो ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा तो इंटीग्रल माइनस वन टू, टू टू क्या है पैराबोला लेना है तो वाई पैराबोला लिख लेते हैं पी ए आर ए पैराबोला हो गया यहाँ पे डी एक्स हो गया ठीक है लिमिट्स हमने एक्स एक्सिस पे ली है माइनस वन टू टू इसीलिए डी डीएक्स भी रख लिया ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस वन टू टू वाई लाइन क्या है लाइन तो एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू है एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू है तो वाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर हो गया वाई की एक वैल्यू ये हो गई लाइन के लिए ये हमारा क्या है कव है कव पैरा बोला है तो उसके लिए वाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा एक्सक्वायर बाय फोर क्लियर है ठीक है तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू लाइन एक्स प्लस टू बाय फोर एक्स प्लस टू बाय फोर डी एक्स माइनस में इंटीग्रल माइनस वन टू टू वाई पैरा बोला है एक्सक्वायर बायर बाय फोर टी एक्स बस अब इंटीग्रेशन करके अपर एंड लोअर लिमिट लख लेनी है एक्स प्लस टू है एक्स प्लस टू मान लीजिए टी है तो टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू तो यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ठीक है डिवाइडेड बाय टू मतलब फोर टू 8 एट हो गया ठीक लिमिट्स कौन सी लगेंगी माइनस वन एंड टू माइनस में एक्स जाएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री मतलब फोर थ्री जा क्या हो गया ट्वेल्व हो गया लिमिट्स लग गई माइनस वन टू टू हो गया क्लियर है यहां पे एट बाहर निकल जाएगा वन अपॉन में एट हो गया बचा क्या अपर लिमिट लगाते हैं तो टू प्लस टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस वन प्लस टू वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा तो माइनस का वन आ गया यहाँ पे क्लियर है माइनस में ये वन बाय ट्वेल्व जो है वो बाहर आ जाएगा तो एक्स का क्यूब है और अपर लिमिट टू है तो टू का क्यूब एट माइनस में लोअर लिमिट लगेगी तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस में माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस तो माइनस माइनस अल्टीमेटली हो गया प्लस ठीक है ये हमारे पास हो गया अब क्या करेंगे यहां पे हमें मिल जाएगा सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन बाय एट फिफ्टीन बाय एट मिल गया माइनस में माइनस में क्या होगा एट प्लस वन नाइन बाय ट्वेल्व एट प्लस वन नाइन बाय का ट्वेल्व हो गया जिससे फिफ्टीन बाय एट माइनस में थ्री बाय फोर हो गया इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन माइनस एल सी एम एट है तो यहाँ पे सिक्स हो गया यहाँ पे एट हो गया फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन एट यूनिट्स ठीक है एरिया आएगा नाइन बाई एट यूनिट किसका एरिया आ गया जी हाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन वही तो हमें फाइन करना था तो आंसर है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन इलेवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स पैरा बोला है जिसकी सिमेट्री है एक्स एक्सिस के साथ और एक्स इज इक्वल टू थ्री हमारी लाइन है ठीक है तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हमारा पैराबोला सिमेट्री है एक्स एक्सिस के साथ तो पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा यहां पे लिख लिया टू फोर एक्स और लाइन है एक्स इज इक्वल टू थ्री तो लाइन यहां पे हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है क्या करना है इन दोनों के बीच का एरिया ये एरिया हमें फाइंड करना है अब ये तो पैराबोला की सिमेट्री है तो ये एरिया ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो एरिया है सेम हो जाएंगे तो यहां पे पॉइंट ओ है ये ए ये बी और ये सी पॉइंट है तो एरिया ऑफ रीजियन ओ ए बी सी क्या होगा भाई वो होगा टू इंटू एरिया ऑफ एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ठीक है ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए बी ठीक है तो एरिया ऑफ ओ बी सी अगर फाइंड कर ले तो हमें मिल जाएगा तो टू अब देखिए ओबीसी कैसे फाइन कर सकते हैं एरिया अंडर दी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंडर में जो भी एरिया आ रहा है यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब पॉइंट जीरो कॉमा जीरो है यहां पे एक्स एक्सिस पे जीरो से लेके ये एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है 0 .0 से थ्री के लिए एक्स एक्सिस इंटीग्रल जीरो यहाँ पे वाई डी एक्स हो जाएगा तो टू इंटीग्रल जीरो टू थ्री वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एन एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे अंडर रूट फोर एक्स मतलब टू रूट एक्स वैल्यू हो गई ठीक है यहां पे लिखेंगे थ्री बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय टू अपॉन में थ्री बाय टू हो गया ठीक है और लिमिट कौन सी है जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री अब ये थ्री बाय टू निकल के बाहर आ जाएगा जो हो जाएगा टू बाय थ्री क्या हो गया टू बाय थ्री अपर लिमिट लगेगी थ्री मतलब थ्री की पावर थ्री बाई टू माइनस में जीरो ठीक है तो क्या हो गया यहां पे टू बाई थ्री है और फोर है मतलब एट बाई थ्री मिल गया क्या मिल गया एट बाय थ्री थ्री की पावर थ्री बाई टू क्या होती है थ्री की पावर थ्री बाई टू मतलब थ्री का क्यूब थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन का रूट क्या आ जाएगा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन मतलब थ्री रूट थ्री क्या मिल जाएगा थ्री रूट Three मिल जाएगा थ्री थ्री कैंसल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया एट रूट थ्री यूनिट ठीक है तो जो गिवन कव हमारा है यानी पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया है वो क्या है एट रूट थ्री यूनिट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्सक्वायर प्लस इज इक्वल टू फोर एंड इज इक्वल टू जीरोक्वायर इज इक्वल टू फोर तो सबसे पहले क्या करेंगे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और जो लाइन्स है वो भी ड्रॉ कर लेंगे ठीक है सर्कल कुछ इस तरह से आएगा क्योंकि फॉर्मूला है एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ठीक है जहां पे हमारा सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस यहां पे क्या है फोर है रेडियस फोर नहीं है टू का स्क्वायर मतलब फोर तो रेडियस यहां पे टू हो जाएगी क्या हो जाएगी रेडियस टू हो जाएगी क्लियर है अब समझिए लाइन कौन सी है एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब यही लाइन होगी लाइन कौन सी होगी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे पॉइंट जीरो हो गया दूसरी लाइन है एक्स इज इक्वल टू टू तो दूसरी लाइन यहां से पास होगी ठीक है दूसरी लाइन कहां से पास होगी इस पॉइंट टू में से पास होगी और बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन ये लाइन और सर्कल मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है क्लियर है इस एरिया को अगर हम फाइंड कर ले तो आंसर मिल जाएगा ठीक है अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे एरिया अंडर दी कर्व सर्कल है और लिमिट कहां से कहां तक है जीरो से लेके ये पॉइंट कौन सा है 2 यहां पे x की वैल्यू 0 यहां पे 2 तो एरिया क्या होगा एरिया इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा इंटीग्रल जीरो टू टू y dx क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है और वो इंटीग्रेशन इसलिए करना है क्योंकि हम लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हैं ठीक है अब क्या करेंगे इंटीग्रल जीरो टू टू वाई डी एक्स की जगह पे सबसे पहले तो समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्सक्वायर तो y की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू हो यहां पे पुट कर देंगे तो अंडर रूट फोर माइनस एक्स तो पता है क्या होता है अंडर रूट ए स्क्स स्क्वायर के फॉर्म का वो होता है अंडर रूट जो भी है, मतलब फोर माइनस एक्सक्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर तो फोर है अपॉन में टू साइन इनवर्स x अपॉन में a x अपॉन में a की वैल्यू क्या है टू है और लिमिट लगा देंगे जीरो टू टू यहां पे हमें ये मिल गया ठीक है अब समझिए अपर लिमिट टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टू बाय टू वन हो गया अंडर रूट फोर माइनस टू का स्क्वायर अगेन फोर हो गया ठीक है फोर बाय टू क्या हो गया टू हो गया साइन इनवर्स टू बाय टू वन हो गया माइनस में लोअर लिमिट लग जाएगी क्या है लोअर लिमिट जीरो बाय तो ये तो जीरो हो गया ठीक है प्लस में फोर बाय टू हो गया साइन इनवर्स जीरो साइन इनवर्स का जीरो हो गया यहाँ पे क्लियर है अब समझिए ये वन इंटू फोर माइनस फोर है रूट के अंदर तो ये भी वैल्यू जीरो हो गई तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये तो जीरो है टू साइन इनवर्स वन टू साइन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाय टू होता है पाई बाय टू होता है क्लियर है अब ये जीरो हो गया साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा टू इन टू पाई बाय टू तो आंसर क्या आ गया पाई क्योंकि टू टू कैंसल आउट हो गया तो क्या ऑप्शन में पाई है चेक करते हैं ऑप्शन ए जो है वहां पे पाई गिवन है एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई दाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स क्या है पैरा बोला है विध सिमेट्री एक्स एक्सिस सिमेट्री कहां पर लाइन वाई इज इक्वल टू थ्री मतलब एक पैरा बोला y एक्सिस और लाइन के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे और क्या ड्रॉ करेंगे पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सिमेट्रिक सिमेट्री कहां पे है x एक्सिस पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ठीक है एक और लाइन गिवन है y इज इक्वल टू वो शायद यहां पे हो जाएगी ठीक है वन टू एंड थ्री तो यहां पे लाइन हो गई y इज ठीक है और क्या बोला है हमें बोला है वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस ये लाइन और ये कव इन तीनों के बीच का एरिया मतलब ये एरिया ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है वो हमें फाइंड करना है यहां पे जीरो है यहां पे जो वैल्यू है वो y की थ्री है मतलब हमारे पास x एक्सिस के लिए लिमिट्स नहीं है हमें लिमिट कहाँ पे लेनी पड़ेगी यहां पे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहां पे हो रहा है ठीक है तो यहां पे एरिया जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन शेडेड रीजन क्या होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो की बात है तो हो जाएगा एक्स डी वाई विध रिस्पेक्ट टू वाई ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रल जीरो टू थ्री एक्स की वैल्यू क्या है भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर ठीक है ये वैल्यू हमें यहां पे पुट कर देनी है मतलब वाई स्क्वायर बाय फोर डी वाई हो गया वन बाय फोर बाहर आ जाएगा इंटीग्रल जीरो वाई स्क्वायर डी वाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन बाय फोर है यहां पे मतलब वाई क्यूब बाय थ्री और लोअर एंड अपर लिमिट या लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट थ्री बस अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है क्या होगा वन बाय फोर अपर लिमिट है थ्री थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन थ्री माइनस में जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहां पे हो गया थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन तो नाइन डिवाइडेड बाय फोर आंसर आया है ऑप्शन में चेक करते हैं टू है ये रहा नाइन बाई फोर ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर है आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक आप रिविजन कीजिए नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ जो फ्री है पर बेस्ट है